Assalamualaikum. Welcome to mathematics with इस lecture में हम Gaussian elimination method को discuss करेंगे। ये method एक जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम पे रखा गया जिसने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था देखते हैं जी मेथड क्या है दिस मेथड इज नोन एज रो रिडक्शन एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन सिस्टम लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ये एक रो रिडक्शन एल्गोरिदम बोलते हैं किसी भी प्रोसेस को किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को एल्गोरिदम बोलते हैं तो इसमें ये बता रहा है कि ये जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है ये रो रिडक्शन एल्गोरिदम है लीनियर इक्वेशन सिस्टम जो है उसको सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस आर परफॉर्मड ऑन द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स जो कॉफिशंट्स का वेरिएबल्स के जो कॉफिशंट्स होते हैं उनका हम मैट्रिक्स जो बनाते हैं उन पे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो है लगाए जाते हैं रो ऑपरेशन टू ट्रांसफॉर्म दी मैट्रिक्स इन अपर ट्राइंगर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इसमें रो ऑपरेशन लगाए जाते हैं रो ऑपरेशन कौन से हैं वो हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने रो ऑपरेशन वाले लेक्चर की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करें और पहले रो ऑपरेशन जो हैं तीन तरह के हमने डिस्कस किए हैं उस लेक्चर में पहले उसको देखें ताकि आपको यह गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है समझना आसान है क्योंकि यह गॉसिज एलिमिनेशन मेथड जो है ये रो रिडक्शन पे मुनिस्तर है और रो रिडक्शन जो है वो रो ऑपरेशन पे डिपेंडेंट है रो ऑपरेशन जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे आपको ये समझना मुश्किल है इसमें यह बता रहा है कि रो ऑपरेशन लगाए जाते हैं उस जो हम मैट्रिक्स के कोफिश जो कॉफिशंट वाला मैट्रिक्स है

इसके इसके क्या क्या हैं जी इसके uses जो है, elimination method किया जाता है to find the rank of matrix. हम पे लगाए जाते हैं और अपर ट्राइंगर मैट्रिक्स में इसको पहले ट्रांसफॉर्म किया जाता है और जब अपर ट्राइंगुलर में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उससे हमें नॉन जीरो रोज पता चलती हैं जिसकी वजह से हम उसके मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हैं टू फाइंड आउट द ऑफ डिटर्मिनंट मैट्रिक्स किसी भी स्कोय मैट्रिक्स का डिटर्मिनट फाइंड करने के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज किया जाता है उसके बाद किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है है यूज किया जाता है। अब हम इसको एक के साथ इसकोरेट uh, करते हैं कि किस तरीके से गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है रो रिडक्शन वाला एल्गोरिदम जो है यूज करके हम वेरिएबल के कॉफिशेंट पे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लगा के किस तरीके से हम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेश लिखा है जिसमें तीन हैं और तीन वेरिएबल्स हैं अब हम अगर इस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको अब अगर हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसके मैट्रिक्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशियंट्स का मैट्रिक्स एक लिख सकते हैं तो इधर हम अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा मेरे पास वन माइनस वन टू फोर वन टू वन 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 इधर आ जाएगा वेरिएबल्स और इक्वल होगा ये जीरो वन एंड माइनस वन के ये हमारे पास आ गया एक्स इक्वल्स बी के अगर मैं यहां ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा वन माइनस वन टू फोर वन टू वन 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 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी की वैल्यूज क्या आएगी मेरे पास जीरो वन एंड माइनस वन ये हमारे पास बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अब हम कह रहे हैं कि गॉसिस एलिमिनेशन मेथड जो है ये रो रिडक्शन एल्गोरिथम है हमने इसकी रोज पे रो ऑपरेशंस लगाने हैं जिसके अकॉर्डिंग हम रो ऑपरेशन के बाद हम इसको अपर मतलब है? है और जीरो नीचे -नीचे करने हैं और ऊपर जो है वो नॉन एलिमेंट्स हो सकते हैं तो वो हमारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा अब इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इस पर रो ऑपरेशन लगाएंगे रो ऑपरेशन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं मैं रिकॉल करता हूँ तीन तरह के हम किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी रो को किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी हम रो को तो किसी दूसरी रो में एड या सब्ट कर सकते हैं ये तीन तरह के रो ऑपरेशन हैं जिनको हम वन बाय वन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स पे अब मैट्रिक्स हमारे पास है एगुमेंटेड मैट्रिक्स अब इसमें हमने रो ऑपरेशन लगाने हैं रो ऑपरेशन से पहले हमें ये देखना है कि अपर ट्राइंग मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास वन होना चाहिए अब हमारे पास कंडीशन के तौर पे ये वन मौजूद है अब उसके नीचे मुझे दोनों एलिमेंट्स ये जीरो करने हैं आप अभी पूरे मैट्रिक्स को बाकी को इग्नोर कर दे जस्ट फर्स्ट कॉलम को देखें इसमें फर्स्ट एलिमेंट वन है उसके नीचे मुझे जो दो एलिमेंट्स हैं, वो जीरो बनाने हैं जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा रो वन को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और उस जो मल्टीप्लाई आएगा उसको इसमें से या इस रो वन को इसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि उस नंबर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसमें से प्लस या माइनस करें तो हमारा यहां पे फोर की जगह पे आंसर जीरो आ जाए और इसी तरीके से वन की जगह पे भी जीरो आ जाए तो मैं क्या करता हूं जी माइनस फोर के साथ रो वन को मल्टीप्लाई करके रो टू में से माइनस कर देता हूं और इसी तरीके से अब यहां पे तो वन ही है इसका मतलब अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो भी जीरो आ जाएगा सेकेंड क्या करता हूं जी रो थ्री में से रो वन को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा पहली रो एज इट इज आ जाएगी वन माइनस वन टू एंड जीरो सेकेंड है जी माइनस फोर के साथ रो वन को मल्टीप्लाई करना है माइनस फोर के साथ रो वन यहां पे है फर्स्ट एलिमेंट वन वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस फोर और फोर में से ये वाला माइनस फोर माइनस किया तो यहां पे आ गया जीरो अब अगले एलिमेंट पे आ जाए माइनस वन को मल्टीप्लाई किया माइनस फोर के साथ ये बन गया हमारे पास प्लस का फोर प्लस के फोर और प्लस का वन यहां पे बन गया मेरे पास। प्लस का फाइव माइनस के फोर को प्लस के टू के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस फोर टूर एट माइनस का एट माइनस का एट और प्लस का टू टू देखिये जी इसको मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूं माइनस के फोर के साथ मल्टीप्लाई किया टू को और टू में से माइनस कर दिया टू माइनस फोर टूर एट प्लस माइनस 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 साइन बड़ी वैल्यू का एट में से टू माइनस किया तो मेरे पास आ गया सिक्स यहां पे बच गया माइनस का सिक्स इसके बाद जो ऑपरेशन आप ए मैट्रिक्स पे लगा रहे हैं वो बी पे भी लगाने क्योंकि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इस पे सारे ऑपरेशन सारे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई किया जाता है अब इसके बाद माइनस फोर को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो और वन में से जीरो माइनस किए तो हमारा आंसर यहां पे ही रहेगा। अब करना है रो थ्री में से रो वन को माइनस रो थ्री में से रो वन को माइनस करने के लिए वन में से वन माइनस किए जीरो वन में से माइनस करना है माइनस वन को तो यह बन जाएगा वन प्लस वन वन प्लस वन इक्वल बन जाता है टू यहां पर आ गया मेरा आंसर टू वन में से माइनस करना है टू को तो ये बन गया मेरे पास माइनस का वन यहां पे क्या बच गया जी मेरे पास माइनस वन में से जीरो को माइनस किया माइनस वन ही रहेगा अब मुझे यहां पे वन बनाना है यहां पे वन बनाने के लिए मैं इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा या इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि इसको वन बनाया जा सके अब अगर मैं इस रो को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये ज़ीरो जो है ये चेंज हो जाएगा किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट में इसलिए मैं ये जिसके साथ पहला एलिमेंट जीरो है उस रो को मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये ज़ीरो ही रहे तो टू को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस टू के साथ फोर बन जाएगा ये माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है रो थ्री को और रो टू में से इसको माइनस कर देना है तो क्या आता है जी वन माइनस वन टू एंड जीरो एज इट इज आ जाएगा जीरो की जगह पे जीरो आ गया अब माइनस टू को टू के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस फोर और फाइव में से इस फोर को माइनस कर दिया तो आ गया वन माइनस वन को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है आ जाएगा प्लस का टू प्लस का टू और माइनस का सिक्स ये आ जाएगा माइनस का फोर माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ और आर है हमारे पास वन वन प्लस ये बन जाएगा थ्री और नीचे वाली रो एज इट इज आ जाएगी मेरे पास इक्वेलेंट का साइन अच्छा जब इसके बाद मुझे इस एलिमेंट को जीरो बनाना है इसके लिए मैं क्या करूंगा इस रो को रो टू को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और रो थ्री में से निकाल दूंगा क्या करते हैं जी फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज आ जाएगी सेकेंड रो को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे जीरो माइनस टू मा, को वन के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस टू टू में से माइनस टू किया तो ये यह यहाँ पे आ गया जीरो माइनस के टू के साथ फोर को मल्टीप्लाई किया और रो थ्री है मेरे पास माइनस का वन माइनस माइनस प्लस का एट और माइनस का वन ये बन गया प्लस का सेवन यहाँ पे आ गया प्लस का सेवन इधर है जी माइनस थ्री थ्री को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस वन के साथ इसको माइनस कर दिया माइनस का सिक्स और माइनस का वन ये बन गया माइनस का सेवन माइनस का सेवन वन और वन बन गया इस सेवन को वन बनाने के लिए यहाँ पे इसको मैं वन ओवर सेवन कर देता हूँ रो थ्री को मतलब के रो थ्री को डिवाइड कर दिया सेवन पे फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज आ जाएगी

ट्रांसफॉर्म हो गया है अब इसको अगर मैं लिखूं मैट्रिक्स से इक्वेशन फॉर्म में तो किस तरीके से आएगा x- माइनस वाई एक्स माइनस वाई प्लस का टू इक्वल जीरो वाई माइनस फोर जी थ्री

इनके जो वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं अब एक की वैल्यू है जी की वैल्यू यहाँ पे पहले ही माइनस वन है अगर मैं इसको इक्वेशन वन इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री का नाम दूं, तो ये जी की वैल्यू हमारे पास पहले ही है जी की वैल्यू को पुटिंग जी इक्वल माइनस वन इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू में पुट करेंगे की की जगह पे minus one तो minus Z की जगह पे minus one minus 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 four, पे तो क्या आएगा है क्योंकि यहाँ पे प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा वाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस वन अब अगर और y और z की वैल्यू में अब अगर y और z की वैल्यू में इक्वेशन नंबर वन में पुट करूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी पुटिंग y इक्वल्स माइनस वन एंड z इक्वल्स माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन क्या आएगा मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू माइनस वन प्लस जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे टू जी है जी की वैल्यू है माइनस वन इक्वल जीरो प्लस वन माइनस टू इक्वल माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस टू इक्वल जीरो माइनस टू इधर है उधर जाके प्लस का टू हो जाएगा एक्स इक्वल टू ये है हमारे पास एक्स की वैल्यू तो हमारे पास पॉइंट क्या बन गया यहाँ पे एक्स y और z की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे इक्वल टू x की वैल्यू है 2 y की वैल्यू -1 एंड z की वैल्यू भी -1 जी तो मेरी कॉम के नौजवानों इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि गॉसिस एलिमिनेशन मेथड जो है वो क्या होता है और किस तरीके से हम इस पे रो ऑपरेशंस लगाते हुए किसी भी मैट्रिक्स को तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके डिफरेंट जो इन इक्वेशन में मौजूद जो तमाम वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें अल्लाह ने के बाद